हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब देखते हैं पांच राज्यों में चुनाव से जुड़ी 50 बड़ी खबरें। दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद। बंगाल समेत पांच राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। चुनाव समिति की बैठक में असम, केरल और बंगाल के उम्मीदवारों पर चर्चा, सबसे पहले असम पर मंथन। दिन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर असम और बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। नड्डा के घर बैठक में शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में 18 मार्च से 3 अप्रैल के बीच करेंगे 7 रैली, पुरुलिया से करेंगे रैली की शुरुआत। 20 मार्च को खड़गपुर, 21 मार्च को बांकुड़ा, 1 अप्रैल को मथुरापुर और 3 अप्रैल को आरामबाग में पीएम की रैली। गृहमंत्री अमित शाह 14 और 15 मार्च को असम और बंगाल में करेंगे चुनावी सभा, 6 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 मार्च को खड़गपुर में रोड शो करेंगे अमित शाह। 15 मार्च को गुवाहाटी के टाउन हॉल में गृहमंत्री का कार्यक्रम। सूत्रों के मुताबिक 15 मार्च को फिर से रैली की शुरुआत करेंगे सीएम ममता बनर्जी। पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगी। टीएमसी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, कहा चुनाव आयोग मोदी शाह के नियंत्रण में। टीएमसी में शामिल होने के बाद बोले यशवंत सिन्हा, न्यायपालिका समेत देश में सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई। यशवंत सिन्हा का दावा, टीएमसी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी। यशवंत सिन्हा ने कहा पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि मोदी शाह जो कर रहे हैं वो अब देश को बर्दाश्त नहीं। टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा का बड़ा दावा, कहा कांधार कांड में बंधकों के बदले खुद को सौंपने को तैयार थी ममता। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा सहानुभूति बटोरने के लिए नए नए तरीके अपना रही है ममता। दिलीप घोष ने कहा नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद टीएमसी में स्टार प्रचारक तक नहीं बचे। दिलीप घोष का विवादित बयान, कहा बंगाल की जनता ममता के विसर्जन के लिए तैयार। बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी का प्रदर्शन, हिंसा मुक्त चुनाव कराने की मांग। शिवसेना नेता संजय राउत ने ममता को बताया शेरनी, कहा ममता चाहे जिस हालात में जरूर चुनाव जीतेंगे। बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मतदाताओं से अपील करने कोलकाता पहुंचे राकेश टिकैत, किसान महापंचायत में लिया हिस्सा। राकेश टिकैत ने कहा बीजेपी ने पूरे देश को लूटा है, जनता से बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील करते हैं। नंदीग्राम में भी बीजेपी के खिलाफ किसानों की महापंचायत, किसान नेता राकेश टिकैत ने लिया हिस्सा। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले राकेश टिकैत, मोदी सरकार कंपनीज की एजेंट है। सरकार से बातचीत के सवाल पर बोले राकेश टिकैत, अक्टूबर के अंत में शुरू हो सकती है बातचीत। चुनाव आयोग का बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश, ममता पर हमले की जांच की विस्तृत रिपोर्ट सौंपे। बंगाल सरकार ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को सौंपी थी रिपोर्ट, आयोग ने रिपोर्ट को अधूरा बताया। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कल टीएमसी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। ममता की चोट के कारण 11 मार्च को कार्यक्रम टला था। 14 मार्च को हर साल टीएमसी मनाती है नंदीग्राम दिवस। 2007 में इसी दिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की थी। असम में स्मृति ईरानी की पहली चुनावी सभा, कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया। स्मृति ईरानी ने कहा बीजेपी देश की एकमात्र पार्टी है जो जनता के लिए काम करती है। स्मृति ईरानी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने असम को एम्स हॉस्पिटल दिया है, कांग्रेस ने असम से अपने बड़े नेता को पीएम बनाया। स्मृति ईरानी ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF पर भी निशाना साधा, असम के इतिहास और जनजातियों पर हमला करने वाला बताया। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के अंदरूनी कलह को भी भुनाने की कोशिश की, कहा उनके नेता एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। 14 मार्च को असम के विश्वनाथ, गोहपुर और डेरा गांव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रैली करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा, असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पहले चरण के मतदान के बाद तय हो जाएगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके ने जारी किया घोषणा पत्र, स्थानीय लोगों को 75% नौकरी का वादा। डीएमके चुनाव जीती तो छात्रों को डेटा कार्ड के साथ फ्री में देगी टैबलेट, पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 4 रुपए सस्ता करने का वादा। तमिलनाडु के सीएम पलनीस्वामी ने डीएमके पर निशाना साधा, कहा जनता को वंशवादी राजनीति को खत्म करना होगा। चेन्नई में कांग्रेस दफ्तर पर भूख हड़ताल पर बैठे सांसद एमके विष्णु प्रसाद विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के सिलेक्शन से नाराज। शिवसेना कांग्रेस गठबंधन के बहाने, ओवैसी ने डीएमके को घेरा, कहा बाबरी मस्जिद गिराने पर शिवसेना को गर्व। चेन्नई में AIADMK पर बरसे ओवैसी, बोले अब मोदी की गुलाम बन गई है जयललिता की पार्टी। ओवैसी ने डीएमके को बताया अहंकारी पार्टी, का बिना सत्ता में रहे अल्पसंख्यकों की नहीं करते इज्जत। गठबंधन के घटक दलों से बोले ओवैसी, कहा जहां आपका पसीना बहेगा हम वहां खून बहा देंगे। केरल में पूर्व सीएम उमान चांदी के घर की छत पर चढ़े समर्थक, निमोम सीट से चुनाव नहीं लड़ने की मांग। समर्थकों की मांग, अपनी परंपरागत सीट पुथुपल्ली से ही चुनाव लड़े चांदी, अभी निमोम सीट पर बीजेपी का कब्जा है। केरल में सिर्फ 91 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, कल उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। केरल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रमेश चिनितल्ला ने कहा हरिपत सीट से ही लड़ूंगा चुनाव, हरिपत मेरी माँ जैसी। कांग्रेस विधायक पीटी थॉमस का बयान, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को केरल में मिलेगी बड़ी जीत। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके ने जारी की लिस्ट, स्टालिन ने 13 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की।
हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।